घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? तो ये सवाल है, वेरी सिंपल, बहुत सरल है। घनाभ तो आप लोगों ने देखा ही होगा, घनाभ की आकृति इस प्रकार की होती है। ये आपका घनाभ है, अंग्रेजी में इसे क्यूबॉइड कहते हैं। ये घनाभ है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, असमान होती है। तो माना कि इसकी लंबाई a सेंटीमीटर है, चौड़ाई b सेंटीमीटर है और ऊंचाई c सेंटीमीटर है। ये जो घनाभ है जिसकी लंबाई a सेंटीमीटर, चौड़ाई b सेंटीमीटर, ऊंचाई c सेंटीमीटर है। अब इस घनाभ का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि घनाभ का आयतन? आप बोलेंगे सर कि एबीसी है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई ए, चौड़ाई बी, ऊंचाई सी, तो वॉल्यूम वी इज इक्वल टू एबीसी। मगर मेरा ये कहना है कि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी और ऊंचाई में 30% का वृद्धि कर दिया जाता है, तो घनाभ कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब बड़ा घनाभ हो गया तो उसका आयतन भी ज्यादा होगा, है ना? तो अब घनाभ कैसा हो गया आपका? इस टाइप का घनाभ हो गया, है ना? अब ये घनाभ आपका इस टाइप का हो गया भैया, ये नया घनाभ है ना, ये आपका नया घनाभ है, ठीक है? ये आपका नया घनाभ है ना। अब क्या हुआ, इस नए घनाभ, ये घनाभ आपका नया बड़ा घनाभ हो गया, लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई और ऊंचाई में भी इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गया। अब इसका लंबाई मान लिया ए, चौड़ाई मान लिया बी और ऊंचाई मान लिया कैपिटल सी। अगर इसका अब आयतन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि भैया कैपिटल वी, अगर ये वी वन है तो ये वी टू मान लो, तो ये हो जाएगा ए बी सी, है ना? अब इसकी लंबाई है कितनी, ए का मान कितना है? तो ए का मान ए प्लस ए का 20%, ए बराबर कितना होगा आपका? अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे फिर? देखो ए इज इक्वल टू क्या, ए प्लस ए का कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। आपको ए और ए में ए का 20% बढ़ाना है। मान लो अगर इसकी लंबाई 100 होती तो 100 अगर इसकी लंबाई होती, इसकी लंबाई अगर 100 होती तो इसकी लंबाई कितनी होती, 100, तो वो प्लस 100 का कितना परसेंट, 100, तो वो जैसे 100 होती, मान लो इसकी लंबाई अगर 100 होती तो 100 धन 100 का कितना परसेंट, 20%, तो 100 का 20%, तो 20% रहेगा नीचे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 100 और 20 120 सेंटीमीटर होती, तो ये कितनी हो जाती, 120 अगर 100 होती तो। मगर अपने को संख्या, तो संख्यात्मक मान तो दिया ही नहीं, अपन ने तो ए माना है, है ना? अपन ने क्या माना है इसको, ए माना है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का की जगह गुणा 20/100, तो ये 20 पंजे 100, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a अपॉन 5। a प्लस a अपॉन 5 कितना होता है, a प्लस a अपॉन 5, तो 5 एकम 5 का a में करेंगे, 5a और एक ही है, 5 और 1 ये जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6a, कितने हो गए 6a और नीचे 5 का 5, ये आपका ए का वैल्यू निकल गया। अब इसी प्रकार आप बी का मान निकाल लेंगे, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सेम यही मेथड, कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी प्लस स्मॉल बी का कितना परसेंट, स्मॉल बी का 25% अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 20 चौक 100, तो ये हो गया आपका बी प्लस
बी अपॉन फोर, तो बी बराबर कितना हो जाएगा भैया, नीचे एक चार एकम चार, पांच एकम एक एकम एक, तो चार चार बी, चार बी और एक बी, पांच बी बटे चार, तो ये हो गया आपका पांच बी बटे चार। अब सी का मान निकालेंगे, सी बराबर कितना, तो सी का भी सेम मेथड, सी के लिए भी यही प्रोसेस, सी का 30% है ना, कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या, सी प्लस सी का 30% अपॉन 100, तो ये जीरो से ये जीरो गई, तो सी बराबर 10 का इसमें होगा 10 सी और एक सी, सॉरी 3 सी, ये 3 सी है, सी एकम सी, सी प्लस 3 सी बटे 10, तो ये क्या हो गया 10 सी, तो ये और 3 ये 13 सी, 13 सी बटे 10 कितना हो गया, ये 13 सी अपॉन 10, 13 सी अपॉन 10, 13 सी अपॉन 10। इस तरीके से आपके सामने मैंने इनकी एबीसी का कैपिटल ए का वैल्यू कितना, कैपिटल बी का कितना, कैपिटल सी का वैल्यू कितना। अब ये तो समीकरण एक, अब हमें इसका आयतन हमने क्या माना, V2 माना, तो V2 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू ए का मान कितना 6a/5, फिर 5b/4 एंड 13c/10 है ना। तो अब काट दो, 5 से 5 कट गया है ना, 2 से काट दो, 2 3 6 2 2 4, 2 3 6 2 2 4, v2 ये 3 है ना। अब कितना हुआ आपका ये 13 2 6 13 3 39, 13 1 13 13 3 39 39 13 39 सी, और कितना हो गया 10 2 20 चलिए, और एबीसी सॉरी एबीसी लिखना भूल गया मैं, एबीसी ए की जगह ए, बी की जगह बी और सी की जगह सी, ठीक है ना। अब आयतन में कितनी वृद्धि हुई है ना, आयतन में वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि कितनी हुई, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 - v1 है ना, तो v2 - v1, तो 39 ए बी सी बटे 20 माइनस ए बी सी बटे 1 है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका, v बराबर कितना हो जाएगा आपका, v बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा इसका इसमें, 39 ए बी सी माइनस 20 ए बी सी बटे 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, v बराबर हो जाएगा आपका 19 ए बी सी बटे 20, इतने की वृद्धि हुई। अब इतने की वृद्धि कितने पे हुई, एबीसी पे, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, देखो वृद्धि प्रतिशत बराबर इतने की वृद्धि, कितने की, इतने की वृद्धि हुई वी अपॉन वी वन इंटू 100 है ना, तो 19 एबीसी इतने की वृद्धि हुई, इतने की वृद्धि कितने पे हुई, एबीसी पे, मतलब इतने का लाभ हुआ, इतने का लाभ कितने पे हुआ, इतने पे हुआ, जिसे लाभ हानि के सवाल करते ना अपन, उसी प्रकार से इसमें भी वही सिस्टम लागू होगा, 19 एबीसी बटे 20 इतने की वृद्धि कितने पे हुई, इतने पे हुई, तो एबीसी नीचे आ जाएगा, ये वाला एबीसी वी वन का वैल्यू नीचे आ गया, वी और इंटू कितना 100 इंटू में 100, तो एबीसी से एबीसी गया, तो कितना हो गया भैया ये 19, और 20 से काट दो, 20 से 100, 20 पंजे 100, 19.5% की वृद्धि हुई है ना। तो घनाभ के आयतन में
प्रतिशत परिवर्तन, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 95% का परिवर्तन हुआ या वृद्धि हो गई, आयतन में वृद्धि हो गई या परिवर्तन हुआ।